हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम 12th क्लास का टॉपिक नंबर 5 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो देखिए 5.2 में क्या है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन या फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। किस तरह क्या जाएगा आइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सॉल्यूशन डालिएगा। अब यहाँ पर लिखना है लेट, इस क्वेश्चन के लिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी। माना या कंसिडर किया हमने, सपोज किया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी। अब जो हमने टी माना है, इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड करना है, यानी कि बोथ साइड डिफरेंशिएशन। विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीजिएगा डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डी ओवर डी एक्स, इसका मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में चल रहा है डी ओवर डी एक्स टी का डिफरेंशिएशन। अगर हम करते हैं डी ओवर डी एक्स, अंदर भेजते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स 2 का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स टी के साथ डिफरेंशिएशन। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर वही पावर फार्मूला यूज हो जाएगा जो अभी पिछली क्लास में उन्होंने बता दिया था। पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, यानी कि 2x प्लस ये कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, यानी कि डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ चुका है 2x। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे काम आएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन था ये, अगर हम इसे y कुछ भी मानते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसे y के इक्वल कंसिडर कर लीजिएगा। आपकी चॉइस है, नहीं कीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर करते हैं, हमने इसे क्या माना है t, यानी कि y इज इक्वल टू साइन t। अब यहाँ पर भी बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो कीजिएगा d ओवर डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू d ओवर डी, यहाँ पर x का नहीं डी टी का किया जाएगा। वो इसलिए किया जाएगा क्योंकि हमने x को इस टर्म में जहाँ पर भी x है उसको t मान लिया है कम्प्लीट, तो यहाँ पर भी t होगी, x के साथ डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, तो वही साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी। अब यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, डी ओवर डी एक्स कॉस टी की वैल्यू क्या पुट की थी, टी क्या माना था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी टी ओवर डी एक्स। अब डी टी ओवर डी एक्स क्या था 2x, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स आ चुका है हमारा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, ये हमारा आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर।
सेकंड क्वेश्चन देखेगा, वाई इज इक्वल टू कॉस इंटू साइन एक्स, यहाँ पर साइन एक्स को टी मानिएगा और अगर यहाँ डिफरेंशिएशन किया जाता है या फिर यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंशिएशन कीजिएगा, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स टी के रेस्पेक्ट में साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, यानी कि डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है कॉस एक्स। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हमने माना है डी ओवर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स के साथ ही होगा कॉस, इसको टी माना था, अब यहाँ पर टी है तो ये टी के साथ नहीं होगा बल्कि एक्स के साथ होगा, मल्टीप्लाई में डी टी ओवर डी एक्स होगा, जो हमने टी माना है उसका डिफरेंशिएशन भी इसी के साथ होगा, यानी कि अब ये एक्स ही ये टी बन जाएगी, इसे इस तरह कट भी कर सकते हैं, डी ओवर डी एक्स ही आ जाएगा। अब देखिएगा डी वाई ओवर कॉस का होता है माइनस साइन टी और डी टी ओवर डी एक्स आया हुआ है हमारा कॉस एक्स, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स आ चुका है माइनस साइन टी, क्या माना हुआ है हमने साइन एक्स, तो टी की जगह पुट करते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हमारा आंसर आ चुका है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और ये माइनस का ये हमारा आंसर होगा। सिमिलरली हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइन ए एक्स प्लस में बी, थर्ड की बात करते हैं, थर्ड को क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस में बी, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर टी मानेगा उसको, यानी कि साइन टी और डी टी ओवर डी एक्स, अब मैंने आपकी बार फास्ट कर दिया है आप कंसिडर कर लीजिएगा, यानी कि लेट टी इज इक्वल टू एक्स प्लस में बी, तो करेगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये टी है ये साइन टी है, साइन का होगा कॉस टी, डिफरेंशिएशन डी टी ओवर डी एक्स हम यहाँ से निकाल लेंगे, डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस जीरो, यानी कि बी कॉन्स्टेंट टर्म है बी का जीरो हो जाएगा और एक्स के साथ ए है तो ए का वन हो जाएगा, यानी कि डी टी ओवर डी एक्स आ चुका है हमारा ए, तो इसे पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में, तो कीजिएगा इसका साइन टी का कॉस टी हो गया है मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स है, अब डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू ए है तो यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है कॉस टी इंटू ए, अब टी क्या माना था हमने ए एक्स प्लस में बी, इसे पुट कर दीजिएगा यहाँ पर ए इंटू कॉस टी की जगह क्या माना हुआ है हमने ए एक्स प्लस में बी, ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ है सेक इंटू टेन रूट एक्स, इसे किस तरह किया जाएगा, लेट टेन रूट एक्स इज इक्वल टू टी, यानी कि इस कंप्लीट अंदर ब्रैकेट वाले को हम टी मान लेंगे और इसमें भी फिर इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए रूट एक्स को आप पी मान लीजिएगा, अब वाई इज इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर
डी टी यानी कि ये पूरा कंप्लीट टी माना हुआ है यानी कि सेक टी हो चुका है। अब इसे हमने पी माना हुआ है यानी कि डी ओवर डी पी यानी कि टेन पी हो जाएगा। और यहाँ पर डी ओवर डी एक्स यानी कि रूट एक्स के साथ डिफ्रेंसेशन हो जाएगा। आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये ज़्यादा लंबा वंबा नहीं है, ये कंप्लीट टी माना तो ये सेक टी हो गया, टी के साथ रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टी के साथ डिफ्रेंसेशन हो गया। ये पी माना यानी कि टेन पी का पी के साथ हो चुका है, ये एक्स है इसका एक्स के साथ डिफ्रेंसेशन हो चुका है। तो अब इसे हम खोलते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, सेक टी का डिफ्रेंसेशन बताया था सेक टी इंटू मल्टीप्लाई टेन टी। इसी तरह डी ओवर डी पी टेन पी का यानी कि पी के रेस्पेक्ट में है तो इसका होगा सेक स्क्वेयर पी। इसी तरह रूट एक्स का होता है, रूट एक्स की पावर 1/2 होती है, इसका होता है 1/2 रूट एक्स। ये पिछली क्लास में सॉल्व करा दिया था, अब आप इसे सॉल्व करोगे सेक टी, टी क्या माना हुआ है हमने इसमें टेन, टी की जगह पुट कीजिएगा टेन रूट एक्स। इसी तरह टेन टी, टी की जगह फिर पुट कीजिएगा टेन रूट एक्स। सेक स्क्वायर पी, सेक स्क्वायर पी क्या माना हुआ है हमने रूट एक्स, रूट एक्स पुट कीजिएगा और 1/2 रूट एक्स। ये हमारा आंसर आ चुका है, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। सिमिलरली हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन ए एक्स प्लस में बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस में डी। ऐसा इसका इसमें लगेगा आपको डिवीजन मेथड बताया था यू अपॉन वी, तो देखिएगा यू अपॉन वी से करते हैं इसको सॉल्व। इसे मानेगा वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस में बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस में डी। फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया हुआ है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा यूजिंग यू अपॉन वी मेथड। ये बोलते हैं चैन रूल वैन, ये कुछ नहीं है, यू अपॉन वी मेथड आप लिख देगा आपका नंबर नहीं कटेगा। कीजिएगा डिफ्रेंसेशन यू अपॉन वी मेथड किस तरह अप्लाई करते हैं हम, कॉस सी एक्स प्लस में डी जो डिनोमीटर में रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, सिमिलरली जो डिनोमीटर में रहता है उसको सेम इसी तरह ऊपर लिख देते हैं न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में लिखते हैं उसका डिफ्रेंसेशन कर देते हैं। इसी तरह माइनस का निशान लगाते हैं, अब की बार न्यूमरेटर को छोड़ देते हैं और इसे मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट ये सॉल्व हो चुका है। अब की बार डिनोमीटर का करेंगे, क्योंकि पहली बार डिनोमीटर छोड़ दिया था न्यूमरेटर का कर दिया, अब की बार न्यूमरेटर को छोड़ देंगे डिनोमीटर का कर देंगे डिफरेंशिएशन। यानी कि डिनोमीटर है कोस सी एक्स प्लस में डी, आपको पढ़ाया हुआ है डी ओवर डी एक्स अगर ऐसा हो यू अपॉन वी, तो इसे खोलते हैं वी का स्क्वायर वी, वी को इसी तरह छोड़ते हैं डी ओवर डी एक्स यू माइनस, अब की बार यू को छोड़ेंगे डी ओवर डी एक्स वी। ये फॉर्मूला इसमें यूज किया है, अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूला के अनुसार इसको हमने खोला है। अब देखिएगा कॉस सी एक्स प्लस में डी सेम ही रहेगा, इसे हम टी मान लेंगे, इसका हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस में बी, और जब टी का करेंगे उसका हो जाएगा ए माइनस, ये सेम ही रहेगा साइन ए एक्स प्लस में बी। इसी तरह अब इसका कीजिएगा कॉस का होता है माइनस साइन, यानी कि माइनस साइन
इसे अगर हम टी मानेंगे माइनस साइन टी होगा और टी की जगह पुट कर देंगे सी एक्स प्लस में डी, और फिर टी का डिफ्रेंसेशन करेंगे सी होगा यानी कि सी के साथ ही एक्स है, एक्स का वन हो जाएगा और डी का जीरो, डी कॉन्स्टेंट है और डिनोमीटर में क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो हम इसे खोलते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस एक्स प्लस में बी, इसके डिनोमीटर में कर देंगे कॉस सी एक्स प्लस में डी का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिखिएगा कंप्लीट। अब ये माइनस यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस में बी इंटू साइन सी एक्स प्लस में डी, और मल्टीप्लाई में सी और है, इनके डिनोमीटर में भी कॉस सी एक्स प्लस में डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहाँ से कॉस सी एक्स प्लस डी है, ये कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ से एक पावर तो यहाँ कट जाएगी, ये कंप्लीट कट जाएगा, यहाँ पर एक और बचेगा। इसका मतलब इसका रिजल्ट आप इतना भी लिख सकते हो, ये भी आंसर सेम मैच ही कर जाएगा आपका। और इसको यहाँ पर ये नहीं काट रहा है, इसका साइन सी एक्स प्लस डी कोस सी एक्स प्लस में डी यानी कि टेन सी एक्स प्लस डी, और मल्टीप्लाई में कोस का ऊपर हो जाएगा सेक्स सेक्स सी एक्स प्लस डी, वो अपना आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।